नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज हम अपने दर्शकों को भारत सिंह कुशवाहा जी से मिलवाएंगे, जो एक समाज सेवक के रूप में बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं। और इन्होंने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में जो एक समाज सेवक के रूप में काम किया है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। हम कुशवाहा से ही पूछेंगे। भारत सिंह जी, आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। नमस्कार जी आप सभी को। आप पहले अपने बारे में बताइए कि आपकी जो जीवन की शुरुआत हुई, आप नौकरी में भी रहे हैं और नौकरी के बाद अब इस समय आपकी उम्र जो है करीब 60 के पार है, लेकिन जो आपका व्यक्तित्व है उससे लगता नहीं है कि आपकी इतनी उम्र है। आपका मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने हमें इस का मौका दिया, इस अवसर का, जिससे कि हम पब्लिक से जुड़ रहे हैं। जो मेरे समाज सेवा का कार्य क्षेत्र है, मेरा ये बचपन से ही शुरू हो गया था जी। जब मैं दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था, तब से ही मेरी जो है समाज सेवा और रुचि बढ़ गई थी। उनके घर जा जाके खुद ही उनको तैयार कराता था और खुद ही स्कूल को उनको अपने साथ ले जाता था। तो हमारे गांव के उस समय 50-60 बच्चे जब मैं पढ़ता था तब सारे स्कूल में जाया करते थे। अच्छा, आपका गांव कहाँ पड़ता है सर, उसके बारे में बताएंगे? मेरा गांव इधर यूपी में है, जिला संभल, जो आजकल नया जिला बना है संभल, उसमें रजपुरा ब्लॉक के अंदर एक गांव आता है, उसमें मेरा गांव है जी। तो 10वीं की शिक्षा मैंने वहां से ली। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली आने के बाद जो है यहाँ हमारा एक संस्था चलती है कुशवाहा समाज दिल्ली, उसको मैंने ज्वाइन किया और उसमें मैं ऑडिटर बना पहले, फिर कोषाध्यक्ष बना, फिर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बना, फिर जनरल सेक्रेटरी बना, फिर उपाध्यक्ष बना, फिर अध्यक्ष तक मैंने उसमें काम किया है। इसके अंदर जो संस्था थी, मूल उद्देश्य क्या था जो आपने संस्था थी जिसके अंदर आपने काम किया, अध्यक्ष के पद तक पहुँचे हैं आप अपने कार्य क्षमता के बल पर, तो उसका उद्देश्य क्या था जो आपकी संस्था बनी हुई थी? इसका उद्देश्य ये था कि दिल्ली के अंदर हमारे जो कुशवाहा भाई हैं, कुशवाहा साठ मौर्य सैनिक जी, ये पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आकर बसे हुए बाहर के लोग हैं, तो सभी लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। तो इसकी एक जरूरत महसूस की गई कि दिल्ली के अंदर संगठन बनाया जाए जिससे कि सभी लोग आपस में जुड़े, आपस में जान पहचान बने, आपस के सहयोगी बने जी। तो ये सन 1978 में हमारे एक जी आर कुशवाहा जी होते थे, उन्होंने इसका गठन किया और सन 1900 में हम जुड़ गए। तो पहले ये संस्था बहुत छोटी रूप में काम करती थी और अब इसमें कम से कम 50,000 लोग जुड़े हुए हैं आज के संस्था में। 50,000 के? हाँ, दिल्ली के, जिसमें कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये कुशवाहा जी, ये बताइए कि जो जैसे कुशवाहा जाति की या कुशवाहा समाज की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत हैं, तो उन मतों के बारे में बताइए और आप किस मत से सहमत नजर आते हैं, आपको कौन सा मत सटीक और सही लगता है? देखिए, हमारे समाज में जो है विभिन्न विचारधारा के लोग हैं। कुछ लोग जो है भगवान बुद्ध से, कुछ समाज के लोग भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं जी। और कुछ लोग जो है लव कुश को मानते हैं, कुछ लोग लव कुश से उत्पत्ति मानते हैं, मगर वो दोनों है एक ही जाति। अब जैसे सैनी भाई हैं, वो अपने सूरसेन सैनी को लेके चलते हैं। मौर्य भाई हैं, जो हमारे सम्राट अशोक को लेके चलते हैं। सात भाई हैं, वो भगवान बुद्ध को लेके चलते हैं। तो मगर जाति एक ही है, लोग अपनी अपनी मान्यता अलग अलग है। अच्छा। और ऐसा कोई कारण नहीं है कि भाई सभी के एक दूसरे में शादी हो रही है, सभी के एक ही संगठन है। अच्छा। अब जो हमारा एक संगठन है राष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, तो इसमें सदस्यता सभी के लिए है। इसमें सात भी हैं, मौर्य भी हैं, सैनी भी हैं, कुशवाहा भी हैं। और कुछ ने अपनी शाखाओं में अपनी अपनी अलग अलग शाखाओं की महासभा बनाई हुई है। अच्छा। और ये हमारी कन्फेडरेशन है अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा। तो जो कन्फेडरेशन है आपकी,
तो जैसे क्योंकि तो भगवान बुद्ध का बड़ा प्रभाव रहा है पूरे विश्व में, और जो जो समुदाय ये मानता है कि उनकी जो उत्पत्ति है या उनका जो विकास है या उनका जो जड़ है वो भगवान बुद्ध से शुरू हुई है, और दूसरे मानते हैं कि हमारी लवकुश से शुरू हुई है, तो जो ऐतिहासिकता की जब तक बात करते हैं हम तो बुद्ध ही नजर आते हैं हमें कहीं पर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो, और जब पुराणों की बात करते हैं तो हमें राम का जो है पुत्र लव और कुश नजर आते हैं। तो जो आपकी कन्फेडरेशन है, तो कन्फेडरेशन का क्या दायित्व है या कोई इस तरह का रोल प्ले कर रही है कि भाई ये जो है वास्तव में ये एक ही है और इनमें आपस में रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए, जो जो कुछ हुआ जाती है कि विभिन्न जो लोग हैं। देखिए जो हमारी कन्फेडरेशन है उसमें मैं राष्ट्रीय सचिव रह चुका हूँ विगत 2 वर्ष 5 साल के पीरियड में, अभी नए चुनाव हुए हैं, अब दूसरी कार्यकारिणी बनी हुई है। तो हमारे इस महासभा के अंदर जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हम सभी महापुरुषों की अपनी फोटो लगाते हैं, भगवान बुद्ध की भी लगाई जाती है, सम्राट अशोक की भी लगाई जाती है, लव कुश की भी लगाई जाती है, सुरसेन सैनी की जाती है, ज्योतिबा फुले की भी फोटो हम लगाते हैं जी। और सबकी ये मानता है, और कभी कभी हमने देखा है कि लोगों में वाद विवाद भी हो जाता है इसके ऊपर के भाई लव कुश तो घास फूस के थे जी, हाँ जी, हाँ। और भगवान बुद्ध ही से ही हमारे पूर्वज हैं भगवान बुद्ध ही जी, तो ऐसे कहीं कहीं मतभेद होता रहता है इस बात में, मगर सबको ये पता है कि हम है सब एक जाति है। और जैसे कि ब्राह्मणों में अनेकों सरनेम होते हैं, पांडे द्विवेदी, मगर उनकी एक ही जात है, तो इसी तरह हमारे समाज ने भी स्वीकार किया हुआ है कि हम जो है कई शाखाओं में बटे हुए, मगर हमारा समाज है एक ही, चाहे भगवान बुद्ध को मानते चले चाहे लव कुश को मानते चले। आपने जो कुशवाहा संगठन है इस को संगठनात्मक रूप से आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया है कि जो भारत में जितने भी कुशवाहा की जो अन्य उपजातियां हैं उनको भी आपने संगठित किया है, और संगठन का काम करना वास्तव में बहुत मजबूत काम होता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह से कि इसको और मजबूत, इस संगठन को और मजबूत किया जा सकता है, क्या माध्यम हो सकता है जिससे कुशवाहों का संगठन और मजबूत होकर के उभरे? देखिए अभी संगठन में बहुत जरूरत है आगे बढ़ाने की संगठन को, अभी संगठन हमारे बने हैं मगर जिस हमने चरम सीमा पर पहुंचना चाहिए था वहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे जो है बहुत सारे पदाधिकारी पद ले लेते हैं मगर क्या है कि वो ऐसा कार्यक्रम पेश नहीं करते जिससे कि अब वास्तव में समाज का भला हो। हमारे जो है समाज के लोग तो काफ़ी मतलब सामर्थ्यवान है मगर हमने संस्था को इतना भी मजबूत नहीं किया है जितना कि संस्था हमारी संसाधन होना चाहिए। जैसे संस्थाओं के पास इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, अपने हॉस्पिटल होना चाहिए, अपने जो है धर्मशाला वगैरह होना चाहिए, तो अभी तक ज़्यादा हम लोग इस क्षेत्र का काम नहीं हुआ है। जैसे कुशवाहा जी बताइए कि जो जैसे आपका संगठन है और इस संगठन के जो उद्देश्य हैं, और शायद आपने ये भी रखा होगा कि हमने अपने स्कूल खोलने हैं, कॉलेज खोलने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने हैं, मेडिकल कॉलेज खोलने हैं, तो ये संस्था है क्योंकि कुशवाहा समाज आर्थिक रूप से भी संपन्न है, सैनी समाज आर्थिक रूप से संपन्न है कंपेरेटिवली और जातियों के, तो आपको उसमें कहाँ तक सफलता मिली है? अभी देखिए जब से संस्थाएं हमारे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की हम बात करें तो 1919 से बनी हुई संस्था है वो, तो जहां तक मैं देख रहा हूं कि जिस के तहत काम होना चाहिए, जिस उद्देश्य को लेकर काम होना चाहिए था महासभा का, वो काम नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पर बताता हूँ कि भाई महासभाएं एक हर साल एक अधिवेशन करती है जी, और अधिवेशन किया और अपने घर आ गए यहीं तक अपने कार्य की इत सिर मान लेती है जी, जबकि हमारी महासभा का उद्देश्य है कि समाज का आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, राजनीतिक विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना, आर्थिक विकास करना, तो इस प्लेटफॉर्म पर काम हो नहीं पाता है, जिसकी वजह यह है
कि ना तो समाज ही इसकी सोच सोचता है कि हम इस तरह काम करें, और ना ही संस्थाओं के पदाधिकारी सोचते हैं कि हम इस दिशा में काम करें। वो एक अधिवेशन करना और फिर बाद में पूरे साल घर बैठ रहना ही संस्था का काम समझते हैं। आप, मैंने सुना है और मुझे जानकारी भी मिली थी कि जब आप उपाध्यक्ष थे या शायद अध्यक्ष थे, तो आपके नेतृत्व में जो ये संस्था है इन्होंने काफी तरक्की की थी, काफी मेंबर्स भी बढ़ाए थे और भी काम, काफी जो एक काम होने चाहिए संस्थाओं के नाते से वो किए थे, उसके बारे में जरा बताइए हमें। देखिए 2011 में मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बना था जी, तो 2 साल की हमारी टर्म थी, तो हमने ये कहा कि पहले हम इसके, हमने ये सोचा कि संस्थाएं क्या है कि जब भी पदाधिकारी बनते हैं हमेशा आगे लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं किसी काम के लिए। हमने ये सोचा कि पहले हम संस्था को मजबूत करें जी। तो संस्था हमारी कैसे मजबूत होगी कि जब हमारे पास ज्यादा सदस्य होंगे, हमारे पास ज्यादा फंड होगा, तो हमने कहा कि एक आजीवन सदस्य अभियान चलाया जाए जिसके अंतर्गत हम 20,000 आजीवन सदस्य बनाए और 20,000 आजीवन सदस्यों पर हम 500 रुपए आजीवन सदस्य रखेंगे और 500 रुपए आज इस अंदर 20,000 लोगों का हमारे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएगा जी। 1 करोड़ बैंक से ब्याज मिलेगा, तो हमें फिर किसी से कभी चंदा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने उस दिशा में काम किया, तो ज्यादा हमारे सदस्य नहीं बने, फिर भी हमने जो है 1100 आजीवन सदस्य बनाए जिसका 5.5 लाख रुपए की हमने एफडी बैंक में जमा करी। उस काम में आपको काफी सफलता मिली जो अभी बनी हुई है। लोगों को हमने आई कार्ड जारी किए, लोगों को हमने आजीवन सदस्य प्रमाण पत्र दिए, एक कार्यकारी स्मारक हमने बनाई जिसमें सभी पदाधिकारियों को फोटो लगे हुए पर्चे छपे थे जिसमें संविधान छपा था और जिसमें एक समाज का एक वो कार्यकारिणी का एक संस्था के दर्पण के रूप में वो कार्यकारिणी स्मारक का सहायक सिद्ध हुई थी इस तरह की। आप हमारे दर्शकों को संगठन को बढ़ाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, चाहे वो हमारे देश का संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे दूसरे संगठन हो, उसको मजबूत करने के लिए, क्योंकि आपने कार्य किया है और संगठन को गहराई से देखा है कि किस तरह से इसमें मजबूती लाई जा सकती है, उसके लिए कुछ आप टिप्स दे सकते हैं। देखिए जो भी हमारे राजनीतिक पार्टियां हैं और या हमारी सामाजिक पार्टियां हैं, ये एक हमारी संगठन ही होती हैं और उनका उद्देश्य हमारे देश का विकास करना, हमारे समाज का विकास करना ही होता है। और विकास जब ही होगा जब हम उनको योजनाएं बनाएं और योजनाएं कार्यान्वित हों, और कार्यान्वित करने के लिए सभी पूरी टीम का उसमें सहयोग चाहिए और पूरे मेंबर का भी सहयोग चाहिए। और जब हम योजनाएं बनाएंगे, क्रियान्वित बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि देश भी विकास करेगा और संस्थाएं विकास करेंगे जी। सर आपका धन्यवाद है हमारे से मुलाकात करने के लिए। ये तो आपका है तो आपने हमें, और आपसे फिर किसी विषय पर दोबारा मुलाकात होगी। ठीक है सर, तो जी नमस्कार।